अगर आपने भी 12th क्लास में ये ठान लिया था कि आपको लॉ के फील्ड में ही अपना करियर बनाना है, तो 12th पास आउट होने के बाद ही आपको LLB का एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम दे देना चाहिए। यहाँ पे मैं एक और बात आप सबको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप किसी भी स्ट्रीम से होंगे, यानी आप BA, BSc या फिर BCom आपने कुछ भी किया होगा तो आप LLB कर सकते हैं। LLB के फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ लॉ, यानी कि आप 12th किसी भी सब्जेक्ट से पास किए हैं तो आप LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आपके मेरिट के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज में हो जाता है। लेकिन यहाँ अगर आप 12th पास आउट के बाद ही LLB करना चाहते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि आप 5 साल का LLB कोर्स 12th के बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद LLB का कोर्स करेंगे तो 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी और 3 साल की आपकी LLB कोर्स हो जाएगी, यानी कि 12th पास आउट के बाद 1 साल का टाइम आपके पास बचा रहेगा। तो 1 साल स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है कुछ और करने के लिए। तो LLB से रिलेटेड बाकी सारे डिटेल्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा अगर आप और अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार LLB की फ़ीस कितनी लगती है, प्राइवेट कॉलेज में या फिर सरकारी कॉलेज में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। LLB की जो पढ़ाई होती है वो सेमेस्टर वाइज होती है, और एक सेमेस्टर जो होता है वो 6 महीने का होता है। तो फीस भी जो LLB की लगती है वो सेमेस्टर वाइज ही लगती है। तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, तो अगर LLB आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो एक सेमेस्टर की फ़ीस जो होती है वो 12,000 से 15,000 तक होती है, यानी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप करेंगे LLB तो फीस बहुत कम होती है। लेकिन वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो सबसे पहले ये कॉलेज पर डिपेंड करता है, यानी हर एक कॉलेज की फ़ीस जो है वो कम और ज़्यादा होने लगती है। लेकिन अगर आप LLB प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपको फ़ीस थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि 30,000 से 50,000 पर सेमेस्टर की फ़ीस होती है आपकी प्राइवेट कॉलेज में। तो आप देख सकते हैं कि एक सरकारी और प्राइवेट कॉलेज से LLB करने में कितना ज़्यादा फ़ायदा और नुकसान आपको हो सकता है। तो अगर आप भी LLB के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप भी कोशिश करिए कि आप सरकारी कॉलेज से ही LLB का कोर्स करें, क्योंकि वो जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में कोई डाउट या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।